मैं इस टाइम पर जहाँ पर हूँ, एक टाइम पर यहाँ पे कंस का जो राक्षस था वो रहा करता था। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है यहाँ पर, जो तालवन का मंदिर है। तालवन पूरे विश्व में एक ही है, ये बस एक ही है, एक ही है। जो नाम है गांव का, वहाँ पे आपको उसी नाम के पेड़ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर कहलाता है जहाँ पे आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ दर्शन कराने के लिए। ठाकुर जी ने सपना दिया रात को, मान के यहाँ से लाया है, मुझे मैं ही पहुँचा दो, नहीं मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। इंग्लैंड चले गए थे यहाँ से शालिग्राम जी, लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद यहाँ पे वापिस आ गए और आज भी वो यहाँ पे मौजूद है, जिनके दर्शन आप यहाँ पे स्वयं आके कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहाँ पे लेके आया हूँ, यहाँ की लीला बहुत ही अद्भुत है। मैं इस टाइम पर जहाँ पर हूँ, एक टाइम पर यहाँ पे कंस का जो राक्षस था वो रहा करता था, जिसका नाम था दहनकासुर। भगवान कृष्ण संग दाऊजी महाराज की जो लीला है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। ये पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर कहलाता है जहाँ पे आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ दर्शन कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक शालिग्राम जी के बहुत ही सुंदर लीला रूप में दर्शन होते हैं। इंग्लैंड चले गए थे यहाँ से शालिग्राम जी, लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद यहाँ पे वापिस आ गए और आज भी वो यहाँ पे मौजूद है, जिनके दर्शन आप यहाँ पे स्वयं आके कर सकते हैं। हम आपको उन्हीं शालिग्राम जी के दर्शन भी कराएंगे, यहाँ की कथा भी बताएंगे और यहाँ के संपूर्ण दर्शन कराएंगे आपको इस वीडियो में। कुंड भी है, उसके भी दर्शन कराएंगे। जो यहाँ पे पेड़ है ताल मिर्च का, वो पेड़ ऐसे मतलब गाँव में देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसे वृक्ष, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको अंदर दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम आपको कुंड के और उस पेड़ के दर्शन कराएंगे। आप सामने पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है मंदिर श्री दाऊजी महाराज और तालवन धाम तारसी मथुरा। ये मथुरा में आता है ये मंदिर। तो देखो, मैं आ चुका हूँ मंदिर के अंदर और जो आप देख रहे हैं ये है मुख्य स्थान, लेकिन अभी जो सामने का पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, यानी कि यहाँ पे गर्भगृह होगा भगवान का। वो गर्भगृह अब वहाँ पे अभी शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ पे गर्भगृह बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो इसलिए अब पीछे की तरफ में वो काम चल रहा है और जब वो पूरा तरीके से बन जाएगा तब यहाँ पे भगवान, यानी कि जो अंदर दर्शन होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, तब आप सभी को यहाँ पे उनके दर्शन होंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ अब अंदर, यानी कि उस तरफ में जहाँ पे भगवान विराजमान है, वहाँ पे दर्शन कराता हूँ और वहाँ की जो कथा है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में संपूर्ण। एक बार मैं दिखाना भी चाहूँगा आपको कि देखो, ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दर्शन होंगे जब आप भविष्य में आएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं अभी यहाँ पे तो काम चल रहा है इस टाइम पर, और जब ठाकुर जी या दाऊजी महाराज की कृपा होगी दोबारा यहाँ पे मुझे बुलाएंगे वो, तो यहाँ पे हम उनके दर्शन यहाँ पे करेंगे। अभी आपको दर्शन वहाँ होते हैं उनके, लेकिन भविष्य में उनके दर्शन आपको यहाँ पे होंगे। यहाँ पे भी काम चल रहा है, देन इसकी परिक्रमा भी होगी पीछे से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अंदर आऊँगा मंदिर में और यहाँ पे जो दर्शन है वो हम आपको कराएंगे और साथ ही यहाँ की जो कथा है वो हम आपको संपूर्ण इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं मंदिर के पास बिल्कुल सामने आ गया हूँ और जानते हैं यहाँ की क्या कथा है और दाऊजी महाराज की क्या लीला रही है उसके बारे में जानते हैं, और आप आगे आपको और मंदिर के दर्शन कराएंगे हम, पहले कथा सुनते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, यहाँ पे दाऊजी महाराज की क्या कथा है उसके बारे में आप हमें बताइए। भादों का महीना, ठंडी ठंडी हवा चल रही, ताड़ के फल पके हुए थे, इनकी खुशबू गोवर्धन पर्वत तक जा रही, माँ ठाकुर जी गौचारण कर रही। श्री दामा ने कही, दाऊ भैया ठंडी ठंडी हवा में खुशबू कहाँ से आ रही है। दाऊ जी बोले, यहाँ से थोड़ी दूर पर ताड़ को बने धैन का सुराक्षस उस वन की रखवारी करता है, कंस का साई बने आम आदमी कोई न जाए, वाल वाल पीछे लग गए, चलो दाऊ भैया फल खाएंगे। दाऊ जी बोले, आज तो शाम है गई, कल सुबह मई गौचारण करेंगे, मई फल खाएंगे। दूसरे दिना हजारों वाल वाल
लाखों गैयन के साथ वन में प्रवेश है गए। दाऊ जी ने पेड़ हलाई, पके पके फल गिरे, ग्वाल वालन ने फल खाई। धैन का सो राक्षस माया वियो, माया से कहो गैया बन जाए, कहो बछड़ा बन जाए, दौड़ा दौड़ा के गैयन ने मार भी लियो। भगवान कृष्ण ने कही देखियो दाऊ भैया, कोई नई गैया के हमारी गैयन में मिल गई है और गैयन ने मार रही है। जैसे ही दाऊ जी पहुँचे तो दाऊ जी सामने वो गधा को रूप धर के प्रकट भयो और पीछे से लाद गई। दाऊ जी ने दोनों पैर पकड़ लिए, इतनो घुमायो घुमावत में वाकई प्राण पखेरु उड़ गए और ताड़ के पेड़ पर फेंक दियो। एक दूसरे से पेड़ गिरो, आधे से ज्यादा वन वैसे ही नष्ट है गो। वाल वाल बोले भैया तुमने तो गैया मार दे, गौ हत्या लग गई, फल खाए तो प्यास लगी। दाऊ जी ने अपने हल के द्वारा कुंड को निर्माण करो, जब कुंड में जल नहीं आओ तो भगवान ने छड़ी के द्वारा गंगा जी को आह्वान करो, गंगा जी बुलाई, दोनों भाई नहाए, कृष्ण और बलराम वाल वाल सभी ने जल पियो। जो गंगा जी जावे लगी तो भगवान ने कही आप जा रही हैं, आपको नाम मातम का हो। इतवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें थे, गौ हत्या ब्रह्म हत्या अगर धोखे से है जाए वो छूट जाएगी। दैन का सो राक्षस प्रहलाद को वंशज हो, नरसिंह अवतार में भगवान वचन देते थे आज से आंदा तेरे वंश को नहीं मारेंगे। न्यो दाऊ जी पैवा को उद्धार करायो, जाको पूर्व जन्म को नामो शासित, गंधमाधन पर्वत पर दुर्वासा ऋषि तपस्या करते, दिन में गधा जैसे व्यवहार करते, तपस्या में विघ्न पैदा भई, उन्हें श्राप दे दियो जा तू गधा हो जा, मारा श्राप तो दे दो मैं उद्धार कब होगो। द्वापुर के अंत में कृष्ण बलराम का अवतार होगो, बलराम के हाथों तेरा उद्धार होगो। कृष्ण बलराम रेवती मैया बलभद्र कुंड और वैत गंगा, बोल दाऊ जी महाराज की जय, रेवती मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है, यहाँ पर जो तालवन का मंदिर है, तालवन पूरे विश्व में एक ही है, ये बस एक ही है, एक ही है दाऊ जी का। यहाँ पर दाऊ जी ने धैन का सो राक्षस को गधा के रूप में मारा था, तो ये वही मंदिर है और कोई विश्व में मंदिर ही नहीं है ऐसा। यहाँ पे कुंड भी है महाराज? हाँ, बलवंत कुंड है ये बराबर। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम जो विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, ये विग्रह कितना प्राचीन होगा इसके बारे में? ये तो 5,500 वर्ष बद्ध नाम ने स्थापित करी ना जी, जो द्वारा ब्रजभूषण को उद्धव जी बताती गई और वज्रनाभ, यानी कि उद्धव जी बताते गए और वज्रनाभ जी स्थापना की। तो यानी कि विग्रह जो है 5,500 वर्ष प्राचीन है ये। महाराज जी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? गोविंद राम। कितना समय हो गया महाराज जी सेवा में? यहाँ आएगा कम से कम 14-15 साल है। 14-15 साल, बहुत अच्छा लगा महाराज जी कथा सुन के, बहुत आनंद आया। और जैसे कि हम देख रहे हैं महाराज जी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये मंदिर सचाम तो ना इसलिए जा हमारे। अच्छा, तो यानी कि जो हम यहाँ विग्रह के दर्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे इधर आ जाएगा। महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे कथा सुन के, उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं वो शीघ्र यहाँ पे दर्शन के लिए आए और आनंद ले। राधे राधे महाराज। राधे। एक पहले महाराज प्रिया शरण रहते थे, उनका चेला था सर्वेसर, उनने सालग्राम को बेच दिया 1,000 रुपये में, 500 रुपये नकद और एक घड़ी हाथ की। इंग्लैंड के परदेसी थे, वो ले जाके अपने गांव ले गए थे, तो उनने ठाकुर जी ने अपना ऐसा चमत्कार दिखाया कुछ दिन पीछे, तो उनका खंड बंड बीमारी हारी जो भी काम बिगड़ता था, मान के ये क्या हो रहा है महाराज जी, तो बड़ा अचम्भ हो रहा है। जब उनने ठाकुर जी ने सपना दिया रात को, मान के यहाँ से लाया है मुझे, मैं ही पहुँचा दो नहीं मैं तेरा सर्वनाश कर दूँगा। तो महाराज जी बोले कि महाराज जी हमें 2 महीने की मोहलत दे दो, हमें आपको मैं पहुंचा देंगे। 2 महीने की मोहलत ठाकुर जी ने दे दी, 2 महीना पीछे गाड़ी लेके सालग्राम जी को यहीं तालबंद में ले आया, यहीं पर रखे हुए आज। हाँ, यहीं रखे और यहाँ ठोरी अपना जो कुछ खर्चा भी दे गया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बोले महाराज मुझे क्षमा करना, अब मैं गलती नहीं हो। कब की कथा है, कितने समय हो गया ये? हो गई 14 साल तो इन्हें, इनसे पहले की बात है, यानी कि 14 साल पहले, 20 साल के तकरीबन, 15-20 साल पहले की बात है, जो कि महाराज जी ने भी बताया। महाराज जी जैसे कि एक कथा बता रहे हैं हमें, गांव के निवासी है, कि सत्य बात है? सत्य है। कि चोरी हो गई थी फिर वापिस आ गए? नहीं, ले गया इसे, ऐसे हमसे तुम ले जाए,
मोल ले गए यहाँ से। तो देखो ये चमत्कार जिसे कहते हैं ना ब्रज में, हम आपको वैसे तो वीडियो में आपने देखे भी हैं कितनी बार कि भगवान कभी कभार जैसे कहते कोई चोरी भी कर लेता है तो वो वापस आ जाते हैं, और यहाँ से तो जिसे कहते हैं भगवान को जो सेवक थे वो उन्होंने बेच दिया था, लेकिन शालिग्राम जी यहाँ पे आ गए और वापस आ गए विदेश से, यानी कि जैसे बता रहे हैं इंग्लैंड से वापस आ गए वो। तो बहुत आनंद की कथा है, बहुत ही आनंद आया ये दर्शन करके। आप, मैं ये कहूँगा यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आए, और आपको हम एक बार दर्शन कराते हैं समीप से, और आप आनंद लीजिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वो शालिग्राम है जो महाराज जी दिखा रहे हैं, यहाँ से ले गए थे जिनको, और ये शालिग्राम जी यहाँ पे वापस आ गए। मंदिर में हमने आपको अभी दर्शन कराए, मंदिर से बाहर आके ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है यहाँ पे कुंड, और इसको कहा जाता है भद्र कुंड। हालांकि अभी आचमन आदि नहीं लेते कोई, क्योंकि पानी ज़्यादातर क्या है ब्रज में अभी जो यमुना जी के पास में है, तो जब जल भराव हुआ था यमुना जी में अभी बीते दिनों में कुछ ही समय पहले, तब सभी कुंड भर गए थे, तो यमुना जी के प्रभाव से जो बाहर का पानी है वो भी कुंड में आ गया था। तो अभी वैसे इसमें नीचे का स्रोत नहीं है, हमें पंडित जी ने बताया था कि नीचे का जो स्रोत है वो अभी नहीं है चालू, क्योंकि कुंड गहरा खुदा नहीं है और अभी ये कच्चा बना हुआ है। हालांकि घाट बने हुए हैं यहाँ पे, आपको मैं दिखाना चाहूँगा बहुत अच्छे तरीके से, ये यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की हुई है कि आप यहाँ पे आके बैठ के भजन कर सकते हैं। ये आचमन वगैरह यहाँ पे नहीं लेते, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे देखने से जो प्रतीत हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं, भाव से दर्शन कर सकते हैं कुंड के। और कुछ इस तरीके का जो है ये बना हुआ है पूरा। अभी इस तरीके की व्यवस्था है, आप सामने देख सकते हैं। तो आचमन तो कोई नहीं लेगा, मैं देख के जैसे मैंने बताया था आपको कि आचमन नहीं लेते होंगे कोई, लेकिन जो दर्शन है वो भाव से दर्शन आप कर सकते हैं। आप जिसमें इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से दाऊ जी महाराज ध्यान का सुर को पैर पकड़ के फिरा रहे हैं और उसको मार रहे हैं, तो इसमें दिखाया गया है, जो कि इस कथा को पूर्ण करती है ये चित्र। जो नाम है गांव का, वहां पे आपको उसी नाम के पेड़ देखने को मिलते हैं। मैं बताना चाहूँगा गाँव का नाम वैसे तारसी भी कहा जाता है, और यहाँ पर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही वो ताड़ का पेड़ है जिसमें फल लगते हैं, और फल भी काफ़ी बड़े आते हैं उसमें। तो ये थे यहाँ के दर्शन जो कि हमने आपको इस वीडियो में कराए। उम्मीद करते हैं आपको आनंद आया होगा इस वीडियो में दर्शन करके, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मैं स्पेशली आपके लिए उन स्थानों की वीडियोज़ लेकर आता हूँ जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता है, ये भी गाँव के अंदर आके, हमें बहुत अंदर आके, हमें गाँव के अंदर तभी स्थान मिला है। आपको यहाँ पे दर्शन कराने के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे आया हूँ, और सबसे अच्छी बात क्या है मैं आपको दिखाना दोबारा चाहूँगा, ये जो ताड़ का जो पेड़ है ना ये बहुत अट्रैक्टिव है, मैं लिटरली बताऊँगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और अगर आप पास से आके देखेंगे तो आपको फील होगा। यहाँ की लोकेशन मैं शेयर ज़रूर करूँगा आपके साथ में, जिससे आप भविष्य में कभी दर्शन करने यहाँ पर अगर आना चाहे तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। मंदिर में निर्माण अभी चल रहा है, और जैसे कि मंदिर कंप्लीट हो जाएगा आप जब आएंगे भविष्य में, तो आपको जो दर्शन है जो आपने बराबर में दर्शन करे दाऊ जी के, वो आपको मुख्य जो उनका गर्भगृह होगा वहाँ पे आपको दर्शन देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्थान है ब्रज चौरासी कोस की यात्रा में भी आता है, यहाँ पर परिक्रमा चलती है ब्रज चौरासी कोस की, और बहुत आनंदपूर्वक हमें जो दर्शन हुए वो हुए हमें उस शालिग्राम के जो यहाँ से इंग्लैंड चला गया था, जिसको बेच दिया गया था यहाँ पे जो सेवक थे उनके द्वारा, लेकिन वो भी यहाँ पे वापस आ गए, जिसे कहते हैं ये सबसे बड़ा चमत्कार हमें मंदिर में देखने को मिला यहाँ पे आज जो हमने दर्शन किए और आपको दर्शन कराए। आपको वो चीज़ कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, अगर वो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे रेयर दर्शन ना बहुत कम मिलते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहती है ऐसे दर्शनों को शेयर किया करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने
चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को तारसी गाँव से, तालवर धाम से राधे राधे।